दोस्तों आज के वीडियो में गालियाँ भी होंगी, वायलेंस भी होगा। ईयरफोन लेके सुनिए पूरे एक्सपीरियंस के लिए। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा कुछ चूतियों से। एक लायन का वेट होता है 250 किलो, एक शेर का हाथ एक क्वार्टर साइज की प्लेट जितना बड़ा होता है और हर नाखून एक पेन जितना लंबा होता है। फिर भी बहुत सारे चूतिए हैं जो लायन के केज में घुस के उनको छेड़ते हैं। 1970s में एक ऐसा मूर्ख इंसान था जिसने वाइल्ड लायंस के सामने अपने फैमिली के साथ रहते हुए सफारी के दौरान गाड़ी से निकल के उन लायंस की फोटोज लेने की कोशिश करी। ये वीडियो इतना ज्यादा वायलेंट है कि मैं इस व्लॉग में आपको वीडियो दिखा भी नहीं सकता, पर नीचे लिंक कर देंगे। ओ बहनचोद चीता, I'm joking, आ जाएगा जोक करते करते सही में। Man should not mess with nature. ये होता है लायंस का पार। और अगर आपको लगा कि लायंस डेंजरस होते हैं तो दोस्तों टाइगर से मिले, इंडिया का शहंशाह। दुनिया भर हर साल कुछ 1800 लोग टाइगर्स की वजह से मारे गए, और ऐसे नंबर्स को सुनकर बहुत लोग जानवरों से नफरत करने लगते हैं। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि इस कहानी में विलेन मनुष्य है। ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, हम भी एक जानवर हैं, पर इस धरती पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं, और उन अलग अलग जानवरों के घर में जाकर हम अपना घर बसा रहे हैं। और जब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, यानी कि जब टाइगर एक आदमी या औरत को मार देता है, तो हम उस टाइगर को मैन ईटर बुला के उसे एक कैदी बना देते हैं। अगर आपको टाइगर्स को एक्सपीरियंस करना है, वाइल्ड लाइफ का अनुभव लेना है, तो आपको जाना चाहिए जंगल के बीचों बीच, जहां मैं और मेरी टीम ने 3 बहुत ज्यादा यादगार दिन बनाए। साउथ इंडिया वाइल्ड लाइफ का एक हॉटबेड है। संचित, रजस और मैं पहले ऊटी गए और फिर हम चले आए मुद्दुमलई, एक ऐसा शांत और सुंदर टाइगर रिजर्व जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। लाइफ में हमने पहाड़ देखे हैं, गंगा के घाट देखे हैं, रेगिस्तान देखे हैं, पर इंडिया के जंगल की वाइब अलग होती है। जंगल के बीच थी विस्टा रूम्स कॉफी ट्रेल्स की एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, जहां तक पहुंचने के लिए भी हमें एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल लेने की जरूरत थी। जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं। कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होम स्टेज इन ऑल ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ट्राइबल एरिया के बीचों बीच से जाके कच्चे रास्ते से गुजरते हम पहुंचे स्वर्ग में, टाइगर टेरिटरी के एकदम बीचों बीच। हमें डर लगना था या हमें शांति प्राप्त होनी थी, हमें खुद पता नहीं था, पर ये है उन 3 दिनों की कहानी। आई डोंट नो अगर आपको सुनाई दे रहा है, पर यहाँ की एम्बिएंट नॉइज बहुत शांतिदायक है। आर यू गेटिंग ऑल द कलर्स? कहाँ आ गया यार, इट लुक्स लाइक वी आर इन मेटावर्स। जिस दिन हम पहुंचे, हमने पूल और लॉन में एंजॉय किया। यहाँ के कुक्स ने हमारे लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया। आई थिंक फूड हैज बीन द हाईलाइट ऑफ दिस होमस्टे, लाइक नेवर हैड सच लैविश स्प्रेड्स एवर। और शाम के 6 बजे हमें बोला गया था कि कुछ भी हो जाए, इन दीवारों के बाहर मत जाइए। ये मैंशन जंगल के बीचों बीच थी। शेर आने का खतरा तो था ही, हमारे आने से कुछ ही दिनों पहले यहाँ के एक लेपर्ड ने गाय को जंगल में घसीट के खा लिया था। पर यहाँ का सबसे खतरनाक जानवर होता है हाथी, वाइल्ड मेल एलिफेंट। हाथियों को लेकर अक्सर हमारे दिमाग में एक क्यूट सा इमेज होता है, हाथी। पर अगर एक हाथी ने आपको टारगेट किया तो हाथी आपको बहुत भयानक मौत देगा, आपको कुचल कुचल के
यहाँ वहाँ फेंक के को टॉर्चर करके फिर आपको मारेगा। ये होता है वाइल्ड एलिफेंट्स का अस्तित्व। इस बड़े से पार्टी हाउस में जब हम रात को सोने गए, रात के बीचों बीच एक ऐसी मोमेंट थी जहाँ मैं उठा और मुझे सच में ऐसे लगा कि हमारे आसपास ना कोई बड़ा जानवर डेफिनेटली है। वो एक गुस्से वाला वाइल्ड एलिफेंट भी हो सकता था, वो किंग ऑफ द जंगल शेर खान भी हो सकता था, या वो एक खतरनाक लेपर्ड भी हो सकता था। इसी खतरे को और गहराई से समझने के लिए अगली सुबह हम तीन असली सफारी के लिए निकल पड़े, जहाँ हमने टाइगर तो देखा नहीं, हाथी बहुत सारे देखे जो एक झुंड में एक साथ यहाँ वहाँ टहल रहे थे। ये शायद फीमेल एलिफेंट्स थे, क्योंकि कहा जाता है कि फीमेल एलिफेंट्स के ग्रुप्स बन जाते हैं और मेल्स को आउटकास्ट किया जाता है। खतरनाक एलिफेंट्स मेल एलिफेंट्स रहते हैं। एलिफेंट्स के अलावा हमने बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स देखे, यानी कि शाकाहारी जानवर, पर हमें खोज थी जंगल के मांसाहारियों की। इतनी ज्यादा ठंड है कि गोटे दो बर्फ के गोले बन के जम गए, पर यहाँ हमारे सामने है पीकॉक। उफ, सो ब्यूटीफुल, फर्स्ट साइटिंग ऑफ द डे। ये भी जानिए कि जिन शाकाहारी जानवरों से हमारी मुलाकात हुई वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। उनके पास आके भी आपको उनका पावर महसूस होता है। नील गाय, हिरण, ये जानवर भी अगर चाहें तो आपकी मौत का एक कारण बन सकते हैं। पर जंगली जानवर सिर्फ आपको तभी सताएंगे जब आपने उनको सताने की कोशिश करी। इसी खतरे से ब्रेक लेते हुए हम फिर से हमारे घर लौट आए। आई होप कि आपको इन वीडियोज इन एक्सपीरियंसेस से मोटिवेशन मिले, ना कि ये क्या शो ऑफ कर। नहीं यार, चिल, लेट्स एंजॉय एवरीथिंग अराउंड अस। पता है, ठीक है, विजुअली ये नेचर वाले वेकेशन, जंगल वाले वेकेशन बहुत सही रहते हैं, क्योंकि ग्रीनरी होती है, सुंदरता होती है, जानवर होते हैं, सुंदर जानवर होते हैं, पंछी होते हैं। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट नेचर वेकेशन इज जो नींद मिलती है ना आपको, इट्स क्रेजी। तो शाम के 4 बजे हम निकले एक फुट सफारी पे। ये जो कच 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 आवाज होती है ना, इट्स वेरी जॉयफुल, ग्रीनरी का एक और एस्पेक्ट, एक अजीब ही शांति मिलती है बाई जस्ट ऑब्जर्विंग नेचर एज इट इज। इनके खुद के घर में आके बस इन्हें ऑब्जर्व करें, इनका फर, इनके बिहेवियर्स, इनके मूवमेंट्स, बहुत सही है। यू कैन टेल व्हाट नॉइजेस आर डेंजरस। एलिफेंट नॉइज, सम dry trees, foot into the dry trees, no, that dry trees noise you can hear, sarak 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 sarak, definitely elephant. You hear the langurs calling, definitely 100 and 150% leopard or tiger should be there. Hamare guide ne hame bataya ki agar aap jungle mein ghoom rahe hain aapko bahut alert rehne ki zarurat hoti hai. उन्होंने कहा कि आप जंगल के किसी भी खतरे से बच सकते हैं अगर आपने अपने 5 senses को इस्तेमाल किया तो, कि आसपास की चीज़ों को देखिए, सुनिए, सूंघिए, फील कीजिए। अगर कुछ खतरा आपकी ओर आ रहा होगा, आपको जानवरों की आवाज़ों से उस खतरे के बारे में पता चलेगा। जंगल के बीचों बीच चलते हुए आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है। सडनली अभी डार्क होने लगा है, आपको एक्चुअली वो फीलिंग आती है कि अभी प्रेडेटर्स थोड़े जग रहे हैं। देखो एक आवाज आ गई, इट्स ओके, इट्स जस्ट डियर, मेरी भी फट के हाथ में आ गई। पीकॉक के अंदर, पीकॉक डियर,
पर पूरी एनर्जी चेंज हो रही है जंगल की. ये जो हरियाली की सुंदरता होती है ना सनलाइट में, अभी कलर चले जाते हैं, सैचुरेशन चले जाती है हरियाली से. मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये इन द मिडल ऑफ जंगल. यहाँ आके ना कंक्रीट दीवारों के पीछे आके या गिव गिव राजा जस्ट अभी जस्ट एलिफेंट की आवाज़ आई वहाँ से. ऑलरेडी आई टोल्ड यू ना इफ यू गो दैट प्लेस डेफिनेटली एलिफेंट यू कैन स्पॉट एलिफेंट. इस फुट सफारी के दौरान तीन चार ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ ऑनेस्टली हमारी फटके हाथ में आ गई. आवाज़ थी तो सिर्फ हिरण की, पर इन जंगलों का एक जंगली सुअर भी आपकी जान ले सकता है. जितना हो सके जंगल में आपको जानवरों से दूर रहना चाहिए. और अंधेरा होते ही आपको चार दीवारों के अंदर होना चाहिए. पूरी ज़िंदगी के दौरान स्पेशली बचपन में बहुत सारे एनिमल अटैक वीडियो देखता था. आज भी इंस्टाग्राम पर मेरा फेवरेट पेज है नेचर इज मेटल, जो कुदरत के वायलेंस के बारे में है. इंसान जानवरों के सामने कुछ भी नहीं है. हाँ, हमने साइंटिफिक चीज़ें सीखी है, हमने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, पर अगर एक इंसान को एक जानवर के सामने आप रख दें, हाथी नीलगाय जैसे जानवरों के सामने भी रख दें, हम उनके लिए केवल एक गेंद समान है. अगर वो जानवर चाहे तो हमें पूरे तरीके से खा सकता है. और जैसे मैंने कहा कि पहाड़ों का एक तरह का नशा होता है, रेगिस्तान का एक तरह का नशा होता है, बीच का एक तरह का नशा होता है, पर जिस तरह का नशा जंगलों में होता है उस तरह का नशा और कहीं नहीं होता. क्योंकि जंगल में आपको शांति भी प्राप्त होती है और आपका दिल खौफ से भरा रहता है. और इसी शांति और खौफ के मिलन से आपको ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस भी मिलता है. आपको अपने पांच सेंसेस का महत्व पता चलता है. आपको वहाँ जाके ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी. वी आर नॉट एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. शेर जानवर हमें हंट करके हमें खाते थे. अगर आपने एंशंट ह्यूमन हिस्ट्री की पढ़ाई करी तो आपको ये पता चलेगा कि इंसानों का सिर्फ एक एडवांटेज था इन बड़े डरावने जानवरों के ऊपर, कि हम एक साथ आसानी से काम कर सकते थे. टीम वर्क हमारी ताकत थी, इसकी वजह से हमने बड़े बड़े जानवरों को हराया. हम फूड चेन के टॉप तक पहुँच कर फूड चेन के सिस्टम से ही बाहर निकल गए. और ये मानव जाति की सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी हार भी, क्योंकि आज शहरों में रह के हमें जानवरों का खतरा नहीं है, उन्हें हमारा खतरा है. कि हम शहरों की साइज़ बढ़ा रहे हैं, उनके घरों को उनसे छीन रहे हैं हरे जंगलों के बदले. आज हमारा खतरा हमें मिल रहा है कंक्रीट जंगल्स की वजह से, जहाँ हमारे आसपास खौफ तो नहीं है पर उसके साथ साथ शांति भी नहीं है. आज के ज़माने में अगर आपको उस खौफ और शांति का मिलन एक्सपीरियंस करना है तो वो सिर्फ मुद्दू मलाई जैसे जंगलों में आपको मिलेगा. और इसलिए हर साल मेरे अनुसार हर इंसान को कुछ वक्त जंगल में बिताना चाहिए, खुद के पूर्वजों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, खुद के सेंसेस के बारे में जानने के लिए. और जिन जीवों के साथ हम इस धरती को शेयर करते हैं उन जीवों के बारे में ज़्यादा सीखने के लिए. ये था हमारा पहला जंगल व्लॉग. जंगल में वक्त बिताइए ताकि आपको पता चले कि आप इस धरती के राजा रानी नहीं हो, आप इस धरती के केवल एक जीव हो.